भाई अल्टीमेट विवेक अभी तक सबसे पावरफुल अल्टीमेट एलियन है, लेकिन क्या हो जब सभी अल्टीमेट एलियंस इस पर एक साथ अटैक कर दे, तो इस फाइट का विनर कौन होगा, अल्टीमेट विवेक या फिर बाकी सभी अल्टीमेट एलियंस? तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई अल्टीमेट विवेक की स्पीसीज है टोकुस्टार या फिर कहें एवोल्वड टोकुस्टार, क्योंकि भाई ये एवोल्व है यानी कि अल्टीमेट फॉर्म में है, और इसका होम वर्ल्ड है कॉस्मिक स्ट्रॉम। इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस रिफ्लेक्सेस और एनहेंस डेक्सटेरिटी जैसे पावर्स हैं। इसके अलावा इसके पास अटैक रिपल्शन, बॉडी स्पिनिंग और स्पेस सर्वाइवेबिलिटी जैसे भी पावर्स हैं। अल्टीमेट विवेक कॉस्मिक स्ट्रॉम को मैनिपुलेट कर सकता है, और अपने अल्टीमेट फॉर्म में तो ये काफी तेजी से फ्लाई भी कर सकता है। भाई ये कॉस्मिक डिस्क और कॉस्मिक रेस को शूट कर सकता है। इसकी कॉस्मिक डिस्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने अपनी एक कॉस्मिक डिस्क से ही डायगोन के बॉडी पार्ट तक को काट दिया था। अल्टीमेट विवेक की कॉस्मिक रेस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अपने पावरफुल अटैक्स और अपनी स्ट्रेंथ से किसी भी प्लेनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्टीमेट विवेक ने जब अपने बॉडी को स्पिन किया था तब डायगोन की पावरफुल लेजर अटैक्स का भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। भाई इसका जायंट साइज, इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और इसके पावरफुल अटैक्स इसे काफी ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट एलियन बना देते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो भाई देखो ये एक जायंट एलियन है, इसलिए इसे फाइट या फिर सर्वाइव करने के लिए काफी बड़ी जगह चाहिए होती है, और भाई डैगन की एसिड ड्रेनिंग से भी इसे डिफीट किया जा सकता है, क्योंकि इतना जायंट है बेचारा, तो कहां पर छुपेगा इतना जायंट एलियन। स्टार्ट करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथेबल एलियंस से, यानी कि ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाले एलियंस। इनमें आते हैं अल्टीमेट कैनन बोल्ट, अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट रैथ और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। भाई ये एलियंस काफी पावरफुल है, लेकिन अल्टीमेट विवेक के जायंट साइज और उसकी स्ट्रेंथ के सामने ये छोटे छोटे एलियन बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। लेकिन भाई ये सभी एलियंस मिलकर अल्टीमेट विवेक को काफी अच्छी टक्कर जरूर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं अटैकेबल और स्ट्रेंथेबल दोनों ही टाइप के एलियंस। तो इसमें आते हैं अल्टीमेट एको एको, अल्टीमेट विक्चिल, अल्टीमेट एल्विडो और अल्टीमेट सोम फायर। ये ऐसे एलियंस हैं जिनके पास स्ट्रेंथ होने के साथ साथ ऐसे पावरफुल स्पेशल अटैक्स हैं जिससे ये दूर से ही अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पावरफुल अटैक्स भी अल्टीमेट विवेक का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अल्टीमेट विवेक ने एक बार अपनी कॉस्मिक रेस को शूट किया तो ये सभी बच नहीं पाएंगे। तो अब बचते हैं अल्टीमेट ग्रेविटेक भैया, ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट विवेक इतना ज्यादा जायंट है कि उसे उड़ाने के लिए यानी कि फ्लाई कराने के लिए अल्टीमेट ग्रेविटेक की ग्रेविटी भी बहुत कम पड़ जाएगी। और भाई अगर गलती से भी अल्टीमेट विवेक ने अल्टीमेट ग्रेविटेक पर अपनी कॉस्मिक डिस्क को शूट किया तो भाई फालतू में ही बेचारे के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो चलो यार इन सभी अल्टीमेट एलियंस की एक साथ अल्टीमेट विवेक से फाइट करा ही देते हैं। तो यार देखो अल्टीमेट विवेक को अपनी ग्रेविटी से ऊपर उठाना अल्टीमेट ग्रेविटेक के लिए काफी हार्ड होगा, और भाई अल्टीमेट ह्यूमंगस और का अल्टीमेट विवेक के हेड पर अटैक करना भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन मान लेते हैं कि सभी स्ट्रेंथेबल अल्टीमेट एलियंस ने ग्रेविटेक की हेल्प से अल्टीमेट विवेक को नीचे गिरा दिया, और भाई इसका प्रॉफिट उठाएंगे हमारे अल्टीमेट विक्चल भैया जो कि अल्टीमेट विवेक को पूरी तरह से फ्रीज कर देंगे। लेकिन अल्टीमेट विवेक ज्यादा देर तक फ्रीज बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ से अल्टीमेट विक्चल की आइस को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसी टाइम अगर अल्टीमेट एको एको अपने पावरफुल सोनिक अटैक्स का यूज अल्टीमेट विवेक के हेड पर करता है तो भाई यहाँ पर काफी दिक्कत हो सकती है अल्टीमेट विवेक को, और भाई बाकी सभी अल्टीमेट एलियंस भी बेचारे गिरे पड़े अल्टीमेट विवेक पर अटैक करने से रुकेंगे नहीं। यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगस और अपने पावरफुल मिसाइल्स को अल्टीमेट विवेक पर लॉन्च कर देगा, और अल्टीमेट सोम फायर अपने पावरफुल फायर ब्लास्ट और फायर अटैक्स को अल्टीमेट विवेक पर पूरी तरह से यूज करेगा, यानी कि अल्टीमेट सोम फायर भी अपनी फुल पावर का यूज करेगा, और बाकी सभी अल्टीमेट एलियंस भी स्ट्रेंथ का यूज करके अल्टीमेट विवेक को डिफीट करना जरूर चाहेंगे। भाई एक तो बेचारा अल्टीमेट विवेक इतना जायंट है कि उसके लिए उठना भी मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी तरफ उस पर इतने सारे अल्टीमेट एलियंस एक साथ अटैक भी कर रहे हैं। लेकिन भाई अल्टीमेट विवेक के जायंट साइज, उसकी हार्ड स्किन, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के कारण उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है इन अटैक्स का। भाई बेचारा अल्टीमेट विवेक जैसे तैसे करके उठ जाएगा, लेकिन भाई अगर इसने एक बार भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया ना तो बाकी सभी अल्टीमेट एलियंस की तो छुट्टी होने वाली है। कुछ एलियंस जो कि फ्लाई कर सकते हैं या फिर काफी तेजी से दौड़ सकते हैं वो बच सकते हैं इनके अटैक से। लेकिन भाई ये कब तक बचेंगे अल्टीमेट विवेक के अटैक से, क्योंकि वो फ्लाई भी कर सकता है और उसके पावरफुल अटैक्स इतने पावरफुल है कि पूरे प्लेनेट तक को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन भाई ये सभी अल्टीमेट एलियंस अल्टीमेट विवेक को काफी अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन भाई लास्ट में अल्टीमेट विवेक इन्हें बुरी तरह से डिफीट कर देगा। तो भाई मेरे ओपिनियन से अल्टीमेट विवेक ही इस फाइट का विनर होगा, क्योंकि वो जायंट पावरफुल और स्ट्रेंथेबल एलियन है। तो यार आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन होगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो यार आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।